हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर सेकंड लैंग्वेज फीचर। इस फीचर की मदद से अपने इनवॉइस को आप सेकंड लैंग्वेज में प्रिंट कर सकते हैं। आपको बिल अपना हिंदी में प्रिंट करना है, इंग्लिश में प्रिंट करना है, गुजराती में प्रिंट करना है, मराठी में प्रिंट करना है, किसी भी लोकल लैंग्वेज में प्रिंट करना चाहो तो अपने इनवॉइस को आप प्रिंट कर सकते हो उसी लैंग्वेज के अंदर। हालांकि आपको एंट्री इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी। तो इसको कन्फिगर करने के लिए 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप आपका है डाउनलोड एंड इंस्टॉल गूगल इनपुट टूल्स। सबसे पहले जो इनपुट टूल्स है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है एनेबल सेकंड लैंग्वेज सपोर्ट फीचर। यहाँ से आपको जाके जो है सेकेंड फीचर को एनेबल करना है। तीसरा ऑप्शन है स्पेसिफाई कॉमन अकाउंट आइटम डिटेल्स इन सेकेंड लैंग्वेज। मतलब कि आपके जो अकाउंट्स हैं और जो आइटम हैं उनके अंदर जाकर आपको कन्फिगर करना है कि आपको लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करनी है। चौथा ऑप्शन है कन्फिगर इनवॉइस प्रिंटिंग। अपने प्रिंटिंग में जाकर आपको सेट करना है लैंग्वेज, हिंदी में प्रिंट करना, गुजराती में प्रिंट करना, मराठी में प्रिंट करना है। पांचवा ऑप्शन है एंटर ट्रांजेक्शन इन प्रिंट इनवॉइस। तो ये 5 ऑप्शन हम देख लेते हैं कैसे कैसे इनको करने हैं। सबसे पहले हम ओपन कंपनी कर लेते हैं, डेमो कंपनी हमने बना रखी है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको आना है कॉन्फ़िगरेशन फीचर ऑप्शन, और यहाँ पे आपको आना है जर्नल में। जर्नल में पाएंगे अनेबल सेकेंड लैंग्वेज सपोर्ट, इसको आपको यस करना है। देखिए यहाँ पे अभी कह रहा है डाउनलोड सेकेंड लैंग्वेज कीबोर्ड, इसके अंदर अभी हम डाउनलोड नहीं किया हुआ तो ये ब्लैंक आ रहा है ना, हम कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो हमने डाउनलोड तो पहले ही कर रखा है, हम उसको इंस्टॉल करते हैं। ये रहा गूगल हिंदी इनपुट सेटअप, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। सबसे पहले हमें इसको इंस्टॉल करना है। ये मेरा हो गया, ये इनपुट टूल्स होता है। उसके बाद आपको लैंग्वेज कौन सी चाहिए, हिंदी चाहिए, गुजराती चाहिए, मराठी चाहिए, वो आप यहाँ से कर सकते हो। मैंने अभी हिंदी का किया हुआ है, हिंदी में आपको करके दिखाता हूँ मैं। ये दोनों मेरे हो गए। उसके बाद पर देख लेते हैं आया नहीं आया ऑप्शन हमारा। नहीं आया तो बिजी बंद करो, दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। ऑप्शन तो आ गया हिंदी इंडिया, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज में 12 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ से कन्फिगर हो गया। अब चलते हैं सेकेंड ऑप्शन की तरफ में। कन्फिगर में आए इनवॉइस टोकन प्रिंटिंग स्टैंडर्ड सेल्स इनवॉइस। यहाँ पे आप देखो कि सेकंड लैंग्वेज का ऑप्शन आ गया। अब आपको क्या क्या चीज़ जो है हिंदी में चाहिए। हमने कहा जी डिटेल भी हिंदी में आ जाए, कंपनी नाम भी हमारा हिंदी में आए, सेकंड लैंग्वेज आएगा, बेसिकली हिंदी नहीं आता यहाँ पे। इसको सब हम जो है सब हिंदी हिंदी कर दिया हमने इसको, और हमने इसको सेव कर दिया। अब क्या है, हम कोई भी एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। इसमें कोई भी आइटम हमारा क्रिएट नहीं है। इसमें कर लेते हैं मोबाइल। जर्नल यहाँ हमने कर दिया, इसको पीसीस में कर दिया। टैक्स कैटेगरी 18% हमने कर दी इसके अंदर। HSN हमने कोड डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद डालने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेकंड लैंग्वेज का। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको हिंदी का क्या नाम देना है। हमने कहा इसका नाम होना चाहिए फोन। फोन अपना टाइप हो गया। आगे कुछ आपको और टाइप करना है वो भी आप कर सकते हो टाइप। डिस्क्रिप्शन भी आप हिंदी में टाइप कर सकते हो। सैमसंग, ये हमारा सेव हो गया। और हम कोई एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर जिसको हमको सेल करना है। को हम बनाए थे डेटर अनरजिस्टर कर देते हैं। यहाँ पे भी देखो एक ऑप्शन दिख रहा है आपको सेकंड लैंग्वेज का। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, नाम दे दो आप। इंग्लिश में टाइप करोगे ऑटोमेटिक उसको हिंदी में कर देगा वो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी लैंग्वेज ही टाइपिंग आना जरूरी है तभी आप टाइप कर पाओगे। इंग्लिश में टाइप करोगे आप
ऑटोमेटिक उसको कन्वर्ट कर देगा हिंदी के अंदर वो। अब एक बिल बना के देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन सेल्स ऐड किया हमने इसको, LGST 18% कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपकी इंग्लिश की एंट्री होगी यहाँ पे वही दिखाएगा, लेकिन जो आपका बिल का प्रिंट आउट निकलेगा ना उसके अंदर हिंदी आएगी सिर्फ। इसको कर देते हैं 8,000 रुपये कर देते हैं इसको, टैक्स लगाया, सेव कर दिया हमने इसको। तो इसका प्रीव्यू देखते हैं कैसा। देखिए डेमो तो मैंने इंग्लिश में टाइप किया तो इंग्लिश में आया है। नियम व शर्तें, GST नंबर आ गया यहाँ पे, यहाँ पे डेट वगैरह सब आ गई, पार्टी का नाम आ गया, मेरा नाम आ गया सचिन कुमार, मैंने मोबाइल डाला था, फोन आ गया, पूरा बिल ये आपका हिंदी में आ रहा। देखो आप टर्म्स कंडीशंस, ये तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में आएंगी, ये देखिए पूरा हिंदी में आ गया आपका। तो इस तरह से अपना बिल को जो आप अपने हिंदी में प्रिंट कर सकते हैं।